आज जिनके कारण हम सब यहां पर इकट्ठे हैं, ऐसे पुस्तक के रचयिता, क्या होता है कि जब मंथन प्रारंभ होता है जीवन का, तो उस मंथन से विष और अमृत दोनों निकलते हैं। व्यक्ति अमृत को जब समाज के सामने प्रस्तुत करता है, तो निश्चित रूप से वो उसकी प्रशंसा होती है, वो स्तुत्य हो जाता है। ऐसे मेरे अनुज अभिषेक अग्रवाल जी, मैं आपको बधाई देता हूं उस पुस्तक के सृजन के लिए। सामने बैठे हुए मेरे अत्यंत अनन्य कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी, और जिनके कारण मैं यहां आया, ऐसी हिंदी साहित्य भारती की केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य और हमारे बड़े भाई, और बहुत लंबे समय तक राजनीति में जिन्होंने बहुत बड़ा स्थान बनाया उत्तर प्रदेश में, एमएलसी रहे क्षत्रिय हरिदश शर्मा जी की सुपुत्री प्रिय मिलेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित मैं हिंदी साहित्य भारती का काम करता, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे वो जानते होंगे कि शिक्षा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में जब मैंने वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य किया, तो मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ। मेरी ही सरकार ने मुझसे दबाव डाला, मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय अटल जी ने, कि इसे वापस ले लीजिए। उस समय मेरी पत्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित टाटा हॉस्पिटल में थी और मैं भी वहीं पर था। मुझसे कहा गया कि इसको वापस ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं इस आदेश को वापस नहीं ले सकता। तो मुझसे कल्याण सिंह जी ने कहा कि आपको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मैंने कहा मंत्रिमंडल से हटना स्वीकार है, लेकिन वंदे मातरम आदेश को मेरी कलम वापस नहीं। मैंने जो उस समय अपने आप को वापस किया, मंत्रिमंडल से हटा, और उसी समय जिस गीत की रचना हुई, जिसको अभी उद्घोषिका महोदया ने आपके सामने प्रस्तुत किया, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। कई जगह गलत तरीके से लोग उसको गाते हैं। अन्ना हजारे भी उस गीत को गाते थे, पूरे विश्व में गाया जाता है कि कोई चलता पगचिन्ह होकर, कोई पगचिन्ह बनाता है, पगचिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता। वास्तव में हमारे यहाँ एक कहावत है, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छान तीनों चले सायर सिंध सपूत। हमें उद्घोषिका महोदय ने बताया कि मेरा जन्म फर्रुखाबाद जनपद में हुआ, और ये केवल अपनी प्रशंसा के लिए हम नहीं बता रहा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पुस्तक लिखी गई, जब इनका ये मेरे पास आया कि इस पुस्तक का आपको विमोचन करना है, तो मैं अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं देता। मैं हिंदी का प्रचारक हूं, और इसलिए दुनिया भर में 35 देशों में हिंदी के लिए काम कर रहा हूं, साहित्य के लिए काम कर रहा हूं, उसी पर अपने आप को समर्पित किया। लेकिन जैसे ही मिलित ने मुझे कंटेंट्स भेजे, वैसे ही मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि ये तो मेरी बात हो गई। वो संघर्ष जो मैंने किया है, वो संघर्ष आज हर व्यक्ति करता है, लेकिन कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है। जो जीत जाता है उसके पगचिन्ह बन जाते हैं, जो हार जाता है उसको समाज थू-थू करता है, उस पर दया नहीं करता, बल्कि उस पर उंगलियां उठाता है। जब कंटेंट्स मैंने देखे, तो मुझे लगा कि इसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि आज ज्यादातर युवकों के सामने, युवतियों के सामने बहुत बड़ी समस्या ये है कि मैनेजमेंट कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें, कैसे परिवार के साथ न्याय करें, कैसे बच्चों के साथ न्याय करें, कैसे अपनी सर्विस के साथ न्याय करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और कई बार तो मैंने परिवार बिखरते देखे, और केवल बिखरते नहीं देखे,
बल्कि आत्महत्याएं जो होती हैं उसमें बहुत सारा कारण ये होता है कि न वो पति के बसते हैं न पत्नी के बसते हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए भी नहीं होते और वो बच्चों के भी नहीं बसते, परिवार के भी नहीं बसते। पैसा कमाते 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 केवल पैसा कमाने की मशीन बन जाती। भाइयों बहनों, दोष आपका नहीं। मैं उद्धृत करना चाहूंगा इंडियन पेनल कोड को, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 380। मैं चूंकि लॉ ग्रेजुएट भी हूं और 6 साल वकालत की है, इसलिए जब समाज के सामने जाता हूं तो मुझे वो चीज भी दिखाई देती है। शायद आपने इस दृष्टि से कानून को नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपके सामने एक सत्य घटना का सच आपके सामने देना चाहता हूं। चोरी के लिए धाराएं बनी है 379 और उसके दंड का प्राविधान 380 में है इंडियन पेनल कोड। एक नए पैसे की चोरी, एक नए पैसे के सामान की चोरी, आपको मालूम है ये कॉग्निटिव लेफेंस है, नॉन बेलिबल है। कॉग्निटिव लेफेंस संज्ञेय अपराध, गैर जमानती। पद्म विभूषण या दुनिया में सारा समाज जिसके सामने नतमस्तक हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को परी चौक पे पकड़िए, अपना जूता उतारिए, उसको 10 जूते मारिए, उसका मुंह काली लगा दीजिए, उसके ऊपर थूक दीजिए, उसे मां बहन की गालियां दीजिए, वही आईपीसी, वही इंडियन पेनल कोड की धारा 330-504, ये नॉन कॉग्निजेबल है, जमानती है, संज्ञान नहीं लिया जा सकता। बड़ी मुश्किल से आप अगर FIR लाज कराना चाहते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते हैं, तो अगर दर्ज भी हो जाए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब आप कल्पना करिए कि एक नए पैसे की चोरी, एक नए पैसे के सामग्री की चोरी, ये कॉग्निटिव डिफेंस है, नॉन बेलेबल है, और एक व्यक्ति का सम्मान एक नए पैसे के बराबर आपके कानून में नहीं है। स्वाभाविक है कि सारा जीवन इस समय अर्थ पर केंद्रित है, सारा जीवन अर्थ पर केंद्रित है। हम अपने बच्चों का जो भविष्य बनाने की सोचते हैं, इनका जीवन कैसे हो, तो हमेशा याद आता है हमको ऐसा कुछ इनको पढ़ाया जाए ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीजें मेंटेन कर सके, ये भरण पोषण ठीक तरीके से कर सके, इतना पैसा इसको मिले, गाड़ी मेंटेन कर सके, भवन बना सके आदि। कई बार ऐसी स्थिति नहीं हो पाती तो पत्नी भी पति को कोसती है, वो बगल वाली को देखा है वो तो चपरासी है, इसके बाद भी इतनी मोटी चाय पहने मुझे आज तक तुमने दिया क्या है, होता है कि नहीं होता है? आप कल्पना करिए ना, वो बेचारा जो नहीं कर पा रहा उसकी स्थिति क्या होती, पैसा कमाने की मशीन बनता है, अपने सारे सुखों का परित्याग करता है, और बाद में बच्चे जो बड़े होते हैं उनसे कह रहे आपने दिया क्या है, मुझे क्या दिया है?